Okay, so there we are again. But today for the first time, I'm taking math for you. Maths mein there is something called logarithmic function. So that I'm starting. Don't write anything. After I explain, you will start writing. Kon aana baaki hai bhi? Prisha has come, Afif has come. Again, I don't know why Maas late aata hai or Om mystery. Yes. Mokshita has come. I'm starting to do logarithmic function of mathematics. 11th man, Om has come. Maas bio, isme chemistry mein tha na Maas? Was he there in chemistry? Am I audible or yeah. No? Okay. Yes, sir. Yes, sir. कैसे log 100 to the base 10 equal to 2. इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म. 10 स्क्वायर इक्वल टू 100 जिसमें पावर होता है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म. और जहां पे लॉग लिखा रहता है उसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म. फॉर एग्जांपल ऑल दीस आर व्हिच फॉर्म हाफ रेज़ टू 10 स्क्वायर या हाफ रेज़ टू x ऑल दीस आर रेज़ टू पावर कुछ होगा उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं. इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं और इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म. इसको लॉगरिथमिक फॉर्म यहां पे लॉग या ln लिखा होगा ना ln व्हाट इज ln आई विल टेल यू. तो उसका मतलब दैट इज लॉगरिथमिक फॉर्म. Remember, यहाँ पे basis 3, यहाँ पे basis 2, यहाँ पे basis 2. जब भी ln होगा ना तो उसका मतलब there is a base e. e को exponential function, e का value हम लोग ये discuss करेंगे. बहुत important function है e. तो जब भी सिर्फ ln लिखा होगा ना ln, उसका मतलब log to the natural base e. इसको natural base भी बोलते हैं e. ये सब दूसरे base 10, base आप अपनी log book रहती है ना जो उसके अंदर base 10 रहता है. So these are log, half, base is 8. अरे यहाँ पे base नहीं लिखा है. What is base of this? इसका base क्या होगा? What is the base of this? जब भी ln होगा, that means base is छोटा e. जब भी ln होगा तो base क्या होगा? छोटा e. ln के time पे base लिखते ही नहीं है. Log के साथ में पूरा base लिखते हैं. देखो log के साथ में इधर base 3 लिखा है, 2 लिखा है, 2 लिखा है. लेकिन ln के time पे base नहीं लिखा है. Means it is छोटा e. छोटा e is called exponential function. I am going to ask. Always, what is ln का base? Mokshada? E. E, that is right. ln का base is e. All right. तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको लिखने का कोई टेक्निक है क्या. यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लो पहले. 10 square equal to 100 से लेके यहाँ तक. फिर I want to write something. इधर से सिर्फ इधर से इधर तक कॉपी करो. Then I'll tell you what to do. Sir, so the log 3, sir, in the right hand side, so the 3 is a base and 81 is the power. Not power. Don't say power is 4 only, but you base is 3, base is 2, iska base is e, iska base is e, iska base is 32. So, sir, what is the 81? 81 is the answer. 4 is the power, but don't go into details. I come to that. This is the answer. This is the power. This is the base. 4 is the power. 3 is the base. Well, you know, 3 raised to 4 is 81. Do you know that 2 raised to 5 is 32? Yes, sir. 2 raised to minus 2 is 1 by 4. It's like that. All right? Let's say 10 raised to 2 is 100. So this 10 is the base. This is the power. This is the answer. ये मिटा दूं. यहां से यहां तक लिखा आपने तो मिटा देता हूं. मैं मिटा दूं? नो सर. इसको मिटाओ. सिर्फ यहां से यहां तक लिखना है आपको.
Then I'll tell you technique of what to do. How to get from this to this, this to this. एकदम इजी टेक्निक बताऊंगा, बहुत मजेदार टेक्निक है, विच इज नॉट गिवन एनीवेयर. मिटा दो इसको, यहां से यहां तक मिटाऊं? ओ बच्चे लोग, ओके मेरी टेक्निक सुनो. टेक्निक जो कि मैंने डेवलप किया है, इट इज नॉट गिवन इन एनी बुक, बट आई हैव डेवलप्ड इट. सी लॉग 100 टू द बेस 10 इक्वल टू टू. अब है ना, इसको देखो कैसे देखने का. इसको बंद कर दो, इसको लॉग और ये आंसर को बंद कर दो. व्हाट यू कैन सी, नीचे 10, कैन यू सी 10, कैन यू सी दिस 10 बेस? अरे बोलो ना, यस और नो, यस और नो? यस सर. तो 10 स्क्वायर इक्वल टू 100, ये दिया होगा ना, तो इसका आंसर क्या होगा? 10 स्क्वायर इक्वल टू 100. देखो क्या करो, मालूम है, लॉग और आंसर को हाइड कर दो. ये नीचे, ये उसका पावर और ये आंसर. जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको लॉग, इधर देखो ध्यान से देखो, डोंट राइट एनीथिंग. इसको मैंने बंद किया तो बेस रिस्ट टू आंसर हाफ रिस्ट टू एक्स इक्वल टू 8. इसको बंद करो, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे बोलो, क्या लिखोगे? इसको मैंने बंद किया, क्या लिखोगे? व्हाट रिस्ट टू व्हाट? 8 रिस्ट टू 3. 8 raise to 3 equal to 512. इधर क्या लिखोगे? यहाँ पे बेस नहीं है तो what is base? ln का बेस नहीं है तो क्या लिखो? e raise to y equal to x. इधर क्या लिखो? इसको मैंने बंद किया. 3 raise to -2 equal to 1/9. इधर बेस नहीं लिया तो क्या लिखो? इधर बेस नहीं है तो e raise to 1. क्योंकि यहाँ पे बेस इज ई रेस टू दिस इक्वल टू दिस, इधर बेस इज 3 तो 3 रेस टू -2 इक्वल टू 1/9. यहाँ पे ई रेस टू 1 इक्वल टू ई, जिसमें 2 रेस टू 1 इक्वल टू 2. यहाँ देखो अभी यहाँ पे है ना, पहले लॉग लिख डालने का, बोल रहे इधर नीचे 3, उधर 4 और इधर, तो कैन यू सी 3 रेस टू 4 इक्वल टू 81, 2 रेस टू 5 इक्वल टू 32, 2 रेस टू -2 इक्वल टू 1/4. यहाँ पे ln है तो e रेस टू 3 इक्वल टू 20.09, e रेस टू -1 इक्वल टू 0.367, 32 रेस टू 3/5 इक्वल टू 8. यू कैन सी दिस, कॉपी दिस डाउन, दिस टेबल एज वेल एज दिस टेबल, एकदम अच्छी तरह कॉपी करो. कुछ भी डाउट है मेरे को पूछो, बार बार लगातार मुझे परेशान करो, नो प्रॉब्लम टू मी. ये समझ में नहीं आया ना, और आई हैव गॉन वेरी फास्ट, प्लीज टेल मी, हैव आई गॉन वेरी फास्ट? एंड नो सर. ओके कॉपी दिस. देन आफ्टर दिस आई विल टेल यू द होमवर्क. इसके लिए जगह छोड़ोगे आप लोग? 17 ए टू आई एंड 18 ए टू जी पेज नंबर 119 textbook. Part 2. Homework. एक पेज छोड़ोगे ना तो आधे पेज में ये हो जाएगा, दूसरे आधे पेज में ये हो जाएगा, दोनों खत्म हो जाएगा एक ही पेज के अंदर. जस्ट लीव वन पेज, लीव वन पेज. आराम से कॉपी करना, अंडरस्टैंडिंग के साथ, जस्ट डोंट कॉपी बट अंडरस्टैंड एंड देन राइट.
कॉपी किया बच्चे बच्चे लोग कॉपी किया इसके लिए एक पेज छोड़ना है 17-18 एक पेज के अंदर अगर आपके पास वो लॉन्ग बुक रहती है तो एक पेज में हो जाएगा दोनों इतना पार्ट 17 के लिए इतना पार्ट 18 के लिए टेबल बना के करना है लॉगरिथमिक फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म आगे बढ़ो इसको मिटा दो पूरा बोर्ड को ये होमवर्क प्रॉब्लम कॉपी किया क्या होमवर्क प्रॉब्लम किया क्या बोलो बच्चे लोग प्यारे प्यारे बच्चों कॉपी किया यस सर मेरी बात हो गई राघव जी ने तो रिटायर हो गए तो मैंने उधर रिसेप्शन पे बात की है ठीक हो गई बात लेकिन उन्होंने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया यस बच्चे मिटा दो पूरा ये तो मिटा सकता हूँ ये तो कर लिया होगा आपने होमवर्क प्रॉब्लम भी लिखना आपको एवरीबॉडी हैज टू कंपलसरी डू इट ओके इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखो इंपॉर्टेंट नोट वेरी इंपॉर्टेंट नोट नोट वन रिमेंबर निगेटिव नंबर एंड जीरो डू नॉट हैव लॉगरिथम Negative number and zero have no logs. They're not two. Note two में ध्यान रखना. Log one to any base, any a यानी any base is zero. Or ln one is also zero. Was it? Ln one. One का log हो या ln both are zeros okay then log a to the base a equal to log x to the base x equal to ln ke paas kya likho bolo ln ke paas anybody can tell me what should I write so this answer will come one dekho a to base a x to the base x ln ka what to the what anyone that's right kaun bola ye answer e कौन बोला ये आंसर प्रिशा वेरी गुड आई रियली अप्रिशिएट फॉर द फर्स्ट टाइम आई क्लैप फॉर यू वेरी गुड प्रिशा कभी कभी बोलो तुम यार मेरे को अच्छा लगता है एटलीस्ट वेरी नाइस बहुत अच्छा आंसर अप्रिशिएट यू फॉर दिस यू नो ये नंबर वन नंबर टू और नंबर थ्री इज वेरी इंटरेस्टिंग लॉग यू नो व्हाट इसमें ऐसे लिखो A raised to log x to the base a equal to x. एकदम easy. मतलब ये power and base when both are same, तो answer is x. कोई मुझे बताएगा e raised to what should I write? So that answer is x. यहाँ पे क्या लिखूँ? The e raised to e. No, very bad. Either a is to log x to the base of this a gets cancelled and answer is x. Aisa assume karo. This a and a gets x. So e is to what I should write here? Is it like that? Log x to the base of e. But what should I write? Symbol kya likhu? Symbol. Either log likha hai symbol. Log x to the base a. So this a gets cancelled. Answer is x. So yahan pe symbol kya likhu? log x to the base of e but log ka base e abhi kabhi bhi log nahi likhte hum log log to the base e we never write log but we write ln 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 bolta hi nahi hai sir you write ln khali itna bolna chahiye ki sir write ln ln ka matlab log to the base e not clear I think this is not clear to you clear or no ln yani kya are ln ek minute ye hai na direct result hai
something, let us say b raised to log y to the raise b. This b and b, when both are same and there is log, so this answer is y. But मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने इधर ln लिखा होता, ln, तो what is the base of this ln? इसका base क्या है? तो यहाँ पे मुझे e लिखना पड़ेगा. E raised to ln y will be y. तो उसी तरीके e raised to ln x, because इधर this is nothing but it is as good as understanding के लिए log x to the base e, so that is equal to. अभी समझ में आया? But log x to the base x is equal to ln x. नहीं मालूम पड़ा? मालूम पड़ा कि नहीं? Still not clear. Is this clear? E raised to ln x is how x, because ln is log to the base e. This a can get cancelled, e also will get cancelled. Answer will come in x. Oh, 25 raised to log y 25. इधर क्या लिखूं? What answer I should write? Tell me. इधर क्या लिखूं आंसर? आंसर क्या लिखूं यहाँ पे? This 25 and 25 are same. A and A both are same. Answer is x. E and E both are same. Answer is x. 25 25 same. Why? Why? E raised to ln 80. What should I write? 80. Yes. Because ln is locked to the base e. All right, this is third note is over. Okay. Iske baad. All right. इधर इसके बाद लिखो लॉ ऑफ प्रोडक्ट. टाइटल लिखो लॉग ऑफ एक्स इनटू वाई टू द बेस ए इज नथिंग बट लॉग एक्स प्लस लॉग वाई टू द बेस ए. प्रोडक्ट product becomes sum. On the similar basis, log to the base a x y z dot 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 dot, it will become log x to the base a plus log y to the base a plus log z to the base a plus dot a dot a. Product becomes sum. वो ध्यान में रखना. इसको बोलते हैं law of product. फिर लिखो law of क्वेश्चन. क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, डिविजन भी लिख सकते हैं. QUOTIENT लॉ ऑफ क्वेश्चन. लॉग ऑफ एक्स अपॉन वाई टू द बेस ए इज नथिंग बट लॉग एक्स टू द बेस ए. गो ऑन कॉपिंग अलोंग विद मी. माइनस लॉग वाई टू द बेस ए. गो ऑन कॉपिंग. Similarly, log to the base a xy upon pq is nothing but log to the base a xy minus log to the base a pq, and that is equal to log x plus log y to the base a minus log p plus log q to the base a. ऐसे करो. And number three, very interesting. Who will tell me this? Log a 1 upon log to the base a 1 upon x. इसका आंसर कौन बताएगा? I want to see who is the best in the class. इसका आंसर आपको बताना. मैं एक बार रूलर मार दूंगा. देखो रूलर मारता हूं. अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू. एक बार लिखना बंद कर दो. कभी भी log of x into y ब्रैकेट में, तो इट इज नथिंग बट प्रोडक्ट बिकम सम.
that is log x plus log y. और अगर बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे तो हर एक का एक्स सम करते हैं, log x plus log y plus log z plus आगे कुछ भी नंबर होगा प्लस log log log, that is log product, log quotient यानी division. Log x upon y to the base is log x, log of numerator to the same base minus log of denominator to the same base. And what is log of xy upon pq? The log of numerator to the same base minus log of denominator to the same. But log xy, here देखो ये formula, log xy is nothing but log x plus log y. And log pq is nothing but log p. Is the bracket very important? खाली इधर एक bracket तो खाली ये minus p होगा, इसलिए both of them should be in bracket together. And what about this? Who will tell me? Log one. That would be log a raised to one minus log. Minus log a raised to x. So would it be log like that? Kya? You are not speaking properly. Log, so it will be log a raised to 1 minus log a raised to 1. Nahi, Afif. Log a raised to 1 nahi. Log 1 to the base a. Aage bolo. Iske baad. Log 1 to the base a. Minus. Log a. To the base x. Base x नहीं यार, इसमें देखो log x upon y base is there, तो log x to the base a minus log y to the base a, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा? log x to the base a. That is right, lovely Prisha, very good answer. अरे Afif क्या कर रहे हो तुम? Base everywhere is there, base a, सब जगह base term है. And what is log one? What is log of 1 to any base? 0. Log 1 to 0. Yeah, dekho na, yahan pe log 1 to any base is 0. That is equal to 0 minus log x to the base a. And that is equal to minus log x to the base a. Afif, you are not giving good answers today. Base, dekho, sab jane a hai. Log first, this was first, this was second. Now we'll do one more log. कुछ doubt है मेरे को पूछो, please ask me bindas questions. Doubt है कुछ? Doubt है कुछ? No sir. Aprisha, any doubt? Afif, any no, doubt? Sir. Mokshada? No sir. Okay, now we'll लिखो third लिखो. Third law is law of exponent. Third is law of exponent. Here is law of power. 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 What is here? Log x to the power y to the base a. Log x raised to y to the base a. इतना पढ़ अफीब, इतना पढ़ के बता इसको. How to read this? Log x raised to y and base a. To the base a. To the base a. Log x raised to y to the base a. इसमें पावर क्या है? पावर, व्हाट इज द पावर इन दिस, इन दिस एक्सप्रेशन व्हाट इज द पावर? पावर इज ए एक्स और वाई. व्हाट इज पावर? ए एक्स और वाई. सो वाई वाई, अरे सिंपल क्वेश्चन. व्हाट इज हैपेंड टू यू? कुछ आंसर नहीं दे रहे हो, तो हमेशा इसका आंसर में पावर नीचे उतार देगा. टोपी नीचे, इसको ऐसे पढ़ देगा, टोपी को नीचे उतारो, तो यहाँ पे टोपी नीचे उतर जाते हैं. दिस इज द लॉ, टोपी कम्स डाउन, टोपी कम्स डाउन. अच्छा कोई मुझे बताएगा इसका थोड़ा, व्हाट इज लॉग रूट एक्स टू द पावर? एनीबडी कैन टेल मी व्हाट आई शुड राइट इट एज? रूट यानी व्हाट इज द पावर? ऑल ऑफ यू नो रूट ऑफ एक्स मीन्स एक्स रेज टू व्हाट? एनीवन, एनीवन नोज रूट एक्स मीन्स एक्स रेज टू minus 2? No. Minus 1? No.
It is x raised to half. Square root was there, x raised to half. Tell me, what is the cube root of x? X raised to kitna? What is 1 upon 3. 1 upon 3. What is nth root of x raised to n? X raised to what? And nth root of x raised to m will be what? X raised to? Who will tell me? Sir, n upon m. N upon m is very good. Or idhar kya aayega idhar? M upon n. ये कहीं टॉप पे बुक के टॉप पे लिख के रखो इसको. इसको बुक के टॉप पे जगह होती है ना वहां लिखो. What is 1 upon root x? X raised to कितना? 1 upon root x यानी x raised to कितना? One upon root x is x raised to कितना? 2. नहीं मालूम? हाँ? 2. No. 1 upon root x is 1 upon x raised to half. That is x raised to minus half. लिखो ये भी लिखो. Important है. कैसे नहीं मालूम? ऊपर नीचे से जब 1 upon x raised to a, तो it becomes x raised to minus a. ये नहीं मालूम है? ये मालूम है कि नहीं? ये rule मालूम है कि first time देखा? अरे बोलो बोलो यार, कुछ तो बोलो. So first time. First time. Sir, we've done in physics also. अरे यार, ये तो क्या? 1 upon x raised to 6. ऊपर रहता है तो x raised to minus 6. ये पहली बार देखा ये? Minus 6. No sir. हाँ, this you've seen before. So we've done it already. So in physics also we were doing it. तो फिर चलो जाने दो, ये कॉपी कर लो इसको. ये कॉपी क्या इतना टॉप पे कहीं पे लिख के रखो. वेरी इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स, दीज आर बेसिक्स. और कुछ भी डाउट है मेरे को पूछो, बिंदास क्वेश्चन पूछो, मेरे को आगे मत बढ़ने दो. मिटाऊं इसको मिटाऊं क्या? अरे यस सर. ओके, तो इधर क्या लिखो आप बताओ, तुम लोग इधर क्या लिखो. अब मैंने इतना सारा वर्क किया यहाँ पे, तो इधर बताओ क्या लिखो. अरे क्या लिखो, क्या टोपी क्या होगी इसकी टोपी. इधर क्या लिखो, इसके ऊपर log raised to 1 upon x. रेस टू वन अपॉन एक्स, पागल हो गया क्या? रूट का पावर क्या होता है? अभी बताया इधर रूट एक्स यानी एक्स रेस टू कितना? सर 1 upon 2 बोलो. दैट इज राइट, 1 upon 2. तो नीचे कौन उतरेगा? टोपी नीचे. व्हाट वी आर राइट इधर बताओ, क्या लिखो अभी? 1 upon 2 log द बेस ऑफ ए. डोंट लाइक दिस यार, ये आना चाहिए तुम लोग को. ओके, अभी ये कौन बताएगा? लॉग टू द बेस ए एमथ रूट ऑफ एक्स रेज टू एन इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ए. क्या लिखो इधर ऊपर नीचे? एन अपॉन एम. अगला स्टेप बोलो क्या लिखो. टोपी नीचे एम लॉग एन अपॉन एम लॉग. I don't like this यार, तुम लोग को basics नहीं मालूम है. root x is x raised to half, first time सुना क्या? Tell me honestly, मेरे को जरा जानना है. root x is x raised to half, first time? Every one of you? In 10th standard we had sir, but in 10th standard we didn't have. कौन सी क्लास में किया था पहले? Sir 9th standard in ICSE. Okay ठीक है. और 10th वालों ने कब किया था? SSC वालों ने कि फर्क ये first time देखा. First time. Yes, sir. No. Okay. ठीक है. चलो, root का मतलब power half. इसके बाद में ऐसे लिखो, question लिखो. Find the value of.
ओके मैं चार सम दे रहा हूं, चार सम छोटे 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 सम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पहला चार सम है लॉग एट टू द बेस हाफ, नंबर टू लॉग लॉग पॉइंट log of 3125 to the base 5 and number 3 log to the base 7 cube root of 7 and number 4 log to the base 5 0.008. char sum kar rahe hain hum log ek ek karke, ye zara text side pe likhe rakho. What is 5 square? 5 square कितना होता है? Sir, 25. 25. What is 5 cube? 125. What is 5 is to 4? 625. What is 5 is to 5? 3125. इतना लिख के रखो कहीं पे. Please write this somewhere. Hey, what is cube root of 7? यानी 7 raised to कितना? Cube root of 7 यानी 7 raised to कितना? 1 upon 3. 1 upon 3, that's it. All right. 0.008. Yani 8 upon kitna? 0.008 yani 8 upon kitna? School days? 1000. Ye kahin top pe likh ke rakho. Aur hum log pehla sum karte hain. Sab log put your pen down. Put your pen down. मेरे को बोला इसका आंसर निकाल के बताओ. जब आंसर नहीं मालूम होता है तो अपना फेवरेट कौन है, लिख द आंसर बी. जब आंसर नहीं मालूम तो हम लोग क्या बोलते हैं, लिख द आंसर बी व्हाट? एक्स. एक्स, दैट्स लेट लॉग 8 टू द बेस हाफ इक्वल टू एक्स. अभी मुझे लॉगरिथमिक फॉर्म हटा देना है, मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म लाना है. तो व्हाट रेज टू व्हाट इक्वल टू व्हाट? लॉग को भगाना है, लॉग को भगाना है. व्हाट शुड आई राइट? लॉग को भगा के व्हाट शुड आई राइट? हाफ रेज टू एक्स इज इक्वल्स टू 8. लवली. हाफ रेज टू एक्स इक्वल टू 8. ऑलराइट. नो मुझे इतना बताओ ये 2 ऊपर आएगा. अच्छा यू नो दिस, 1 अपॉन एक्स इज एक्स रेज टू कितना? सर -1. नो देयर यू नो इट, वेरी गुड, दैट इज वेरी गुड. द कैन आई राइट दिस इज 2 रेज टू -1 रेज टू एक्स. और 8 is 2 raised to what? 8 is 2 raised to how much is 8? 2 raised to how much is 8 बच्चे? 3. 2 raised to 3. And what is 2 raised to minus 1 raised to x? You know this formula? A raised to m raised to n equal to what? A raised to mn. Do you know this? ये दोनों multiply होते हैं. तो यहाँ पे क्या लिखूं? क्या लिखूं? 2 raised to minus x. 2 raised to minus x equal to 2 raised to 3. देखो इधर 2 raised to minus x, इधर 2 raised to 3. Therefore, what is minus x equal to? ये दोनों same same है ना? तो power three. Power will be same. तो minus x equal to कितना? 3. And therefore, x equal to minus 3. हमने इसको x बना था. Therefore, log a to the base half equal to minus 3. इसका आंसर आया minus 3. That's the answer. बोले बोले ना, इसका आंसर निकल, इसका आंसर minus 3 है भाई. इसका आंसर minus 3 है भाई. एक बार फिर से आपके सामने देखो. Let this be equal to x. I converted logarithmic form to exponential form. तो half raised to x equal to 8. 2 raised to 1 ऊपर आया तो 2 raised to minus 1 raised to x equal to 2 raised to 3. There is 2 raised to minus 6 equal to 2 raised to 3. So minus 6 equal to 3, therefore x equal to minus 3. But x is this, so log 8 to the base half equal to minus 3. That's the answer. Actually equal to minus 3. As a bracket, which is very good. Number 2, karte hai. Number 2. Copy kar liya ye? Kya aapne copy kiya ye? Bolo bachche log. Yes, sir. The copying. Problem 2 likho, number 2 likho, jaldi let. Let. चलो लेट गॉट लॉग 3125 टू द बेस 5 इक्वल टू एक्स.
therefore अगला step भी तुम बताओ मेरे को, तुमको log को भगाना है. Let me ask Prisha, you are answering very well today. अगला step बोल, what should be equal to? Log को भगाना है. Log को भगाना है Prisha. The 5 raised to x. That's lovely answer. 5 raised to x इसमें कितना लिखूँ यहाँ पे? 5 raised to 5. अभी नंबर थ्री करते हैं. अभी करते हैं नंबर थ्री. इसे मिटा दूं? इसे मिटा दूं? कॉपी कर रहे हो? यस सर. यस सर या नो सर? क्या कॉपी किया? मिटाऊं कि यस और नो? मिटाऊं कि नहीं? कॉपी. ओके, ऐसे बोलने का मिटा दो सर. कॉपी डॉपी के बदले बोलेगा मिटा दो सर. ओके, लेट लॉग टू द बेस 7. सो एक्स विल बी 1/3. That's lovely answer. Therefore, log to the base 7. 7 raised to kya likho, bachche? What should I write 7 raised to? 7. Ah! 7 raised to 7? Yeah, cube root hai. 3. 1/3. 1/3. Topi niche. Topi niche. To kisko niche le lo? Topi kaun hai? 1/3. 1/3. What is log 7 to the base 7? ये मैंने आंसर दिया है आपको एक नोट में. log a to the log x to the base x, log y to the base y, log any number to the same base number is what? इसका क्या आंसर है? मैंने दिया है, आज ही दिया है, अभी थोड़ी देर पहले. बोल जल्दी, क्या आपने लिखा है? log a to the base a equal to log b to the base b. क्या लिखा था? log any number to the same base. What is the answer? अरे मैंने लिखा है, नहीं मिल रहा किसी को भी. one sir. one. oh yeah, one. That's the answer. Therefore 1/3 into 1 equal to x, and therefore x equal to 1/3, and therefore log to the base 7, cube root of 7 equal to 1/3. That's the answer. Fourth is very interesting. ये नहीं समझ में आया, log 7 to the base 7 1 बताया कि नहीं? कि मैं भूल गया बताने का? नहीं बताया. नहीं बताया? नहीं बताया मैंने? No sir, you told. Yeah, I have given. I think you just check note 2 starting में. एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक बाद में. नोट वन, नोट टू में क्या लिखा है ओम? ओम नोट टू में क्या लिखा है? लेस देन 1 मिनट वी आर हैविंग, जल्दी से. यस सर. लॉग ए टू द बेस ए 1 नहीं लिखा है मैंने सर. रिटर्न रिटर्न. तो फिर क्या बोलते हैं? फोर्थ. फोर्थ लेट अपना ये हो नहीं पाएगा, लगता है प्रॉब्लम हो नहीं पाएगा. देयरफॉर अगला स्टेप बोलो क्या लिखो. देयरफॉर व्हाट रेज टू व्हाट? व्हाट रेज टू व्हाट प्रिशा? 5 raised to x इक्वल टू व्हाट? 0.0.